उत्तराखंड की हर खबर, सरकार के कामकाज पर रहेगी पैनी नजर। विकास की रफ्तार का क्या है हाल? भ्रष्टाचार के मुद्दों को करते रहेंगे उजागर। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा जोर। सिर्फ यहाँ तो देखते रहिए हिमालय न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय न्यूज, मैं हूँ राजेश कुमार। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश बात विशेष में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गढ़वाल के व्यंग लेखक और साहित्यकार नरेंद्र कठैत। नरेंद्र कठैत उत्तराखंड के युवा साहित्यकारों में से एक हैं। कठैत ने व्यंग के जरिए न केवल समाज के ज्वलंत विषयों पर लिखा है बल्कि प्रदेश की राजनीति पर भी कड़ा प्रहार किया है। नरेंद्र जी, हिमालय न्यूज़ में आपका स्वागत है और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने लिखने की शुरुआत कहाँ से की? धन्यवाद राजेश जी। मैंने लिखने की शुरुआत 92 से करी है और शुरू में हिंदी में लिखना शुरू किया और उसके बाद ये लगा कि मातृभाषा में कुछ लिखना चाहिए, तो उसके बाद फिर मातृभाषा के प्रति मेरा रुझान गया और मैंने लिखना शुरू किया मातृभाषा पे। आपके बचपन के बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कहाँ गुजरा और आपकी जो शिक्षा थी वो कहाँ से आपने हासिल की, जो शिक्षा दीक्षा आपकी? राजेश जी, मेरी जो जन्म हुआ है वो दिल्ली से ही हुआ है और शुरुआती शिक्षा दिल्ली में ही हुई है। उसके बाद परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही, ये शायद मातृभाषा की सेवा का अवसर रहा होगा और उसके बाद फिर गढ़वाल सेटल हुए और वहीं आगे की शिक्षा हुई और ग्रेजुएशन वहीं से किया। और आपका अगर हम बात करें कि जो आप अब तक कितनी जो आपने किताबें अब तक कितनी आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और उनमें से सबसे लोकप्रिय जिसको दर्शकों ने पाठकों ने जिसको सराहा वो कौन सी पुस्तक रही? राजेश जी, खैर मातृभाषा में तो काम का कोई बखान नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे 7 व्यंग संग्रह अभी तक आए हैं और 3 काव्य संग्रह हैं और 1 नाटक, तो 11 के लगभग हैं ये पुस्तकें। मुझे व्यंगों से ही ज़्यादा पहचान मिली है और व्यंगकार के ही रूप में लोग मुझे जानते हैं जी। सर, एक अड़ोस पड़ोस आपके एक निबंध आया था, उसमें क्या कुछ खास रहा और लोगों ने उसको कैसी प्रतिक्रिया आई उसके लिए? अड़ोस पड़ोस भी बस सब सामाजिक मुद्दों पर हैं जितने भी व्यंग हैं, पर यह है कि और टाइटल उसमें अड़ोस पड़ोस है लेकिन सभी सामाजिक मुद्दों पे हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हिमालय न्यूज़ के साथ। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नरेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी घटनाएं आपके जीवन में कुछ हुआ या उतार चढ़ाव कहें हम उसे हुआ कि आपका लेखन की ओर रुझान गया, ऐसी वो कौन सी घटनाएं थी? राजेश जी, बिना सामाजिक उथल पुथलों को देखे हुए कोई भी लेखन कार्य नहीं हो सकता। ये सामाजिक जो भी आउटपुट आते हैं वो सामाजिक विसंगतियों को देख के ही आते हैं। तो मेरा रुझान जो है शुरू में रंगमंच की तरफ गया
और रंगमंच पे रहा हूँ, कॉलेज स्तर तक मैंने उसी पे किया, छोटे छोटे स्किट लिखी हैं, और फिर उसके बाद उन स्किटों को थोड़ा विस्तार दिया, एक नाटक लिखा लंबा, डॉक्टर आसाराम नाम से था वो, वो चार खंडों में था, और उसके बाद ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य है कि उसको वो रंगमंच पे नहीं पहुंच पाया जी। क्योंकि रंगमंच अभी हमारा इतना सशक्त नहीं है। तो उसके बाद ये सुझाव आए कि आप जो हैं व्यंग तो है ही इसमें हास्य कपूर में, तो आप जो हैं इसमें व्यंग विधा पे काम कीजिएगा, तो फिर व्यंग पे लिखना शुरू किया जी। अब तक आपको कितने पुरस्कारों से नवाजा गया है और किस विषय के लिए या किसी पुस्तक के लिए वो कौन से पुरस्कार रहे जो आपके जीवन में अहम योगदान रखते हैं जी? पुरस्कार तो व्यक्तिगत विशेष तो अलग चीज़ है, लेकिन वो भाषा का ही सम्मान बढ़ता है जो भी पुरस्कार होते हैं। तो सबसे पहले तो आदित्य नवानी एक ट्रस्ट हैं जिन्होंने लोक भाषा के जितने भी साहित्यकार हैं उनको तो अग्रणी एक वो पुरस्कार माना जाता है, सबसे पहले वो मिला। उसके बाद राज्य सरकार का गोविंद चातक एक सम्मान है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है गोविंद चातक जी ने, वो सम्मान मिला। फिर हमारे एक और साहित्यकार थे कन्हैयालाल डंडियाल जी, उनकी कर्मभूमि दिल्ली रही है और बड़ा संघर्षशील साहित्यकार रहे हैं, तो एक पुरस्कार उनके नाम पे भी रहा है, और बाकी छोटे मोटे भी दिए। तो आप वैसे गढ़वाली लेखक हैं लेकिन आपने हिंदी में भी दर्द की लहरें एक लिखा जी, जी, जी। तो उसको लिखने के बाद उसमें क्या कुछ खास था और पाठकों की क्या प्रतिक्रिया आई? दर्द की लहरें दरअसल मैं उस समय में ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था और कविताएँ लिख रहा था, तो मेरे कुछ सहपाठी थे, उन्होंने कहा यार आप इसको छपाने का प्रयास कीजिए आप इसको, और उन्हीं के सहयोग से वो छपा, दरअसल पूरे कंट्रीब्यूशन पे ही वो किताब छपी थी जी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हिमालयन न्यूज़ के साथ। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है, आपके सपनों की उड़ान TPMI लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हिमालय न्यूज़ के सभी दर्शकों को सुशांत सिंह का प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, हमारे साथ नरेंद्र कठैत हैं जो अपने सुझाव हमें बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, अपनी किताबों से किस तरह से पाठकों को सोचने पर मजबूर किया। अब हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन के ऊपर उन्होंने क्या कुछ व्यंग किए या फिर कौन सी उनकी किताबें आई उनसे जानेंगे। वीरेंद्र जी आपसे जानना चाहते हैं कि पलायन उत्तराखंड का बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर आपका क्या प्रहार रहा? राजेश जी, पलायन का अभी तक जो कंसेप्ट था वो ये था कि जो जिनके पास रोज़गार नहीं है, पढ़े लिखे थे, रोज़गार नहीं था, तो वो पलायन करते थे अभी तक, और वो दिल्ली या बॉम्बे ऐसे शहरों में उनको अपनी योग्यता के अनुसार वो कार्य करते थे। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि पलायन जो है वो तबका भी कर रहा है जो सुविधा संपन्न है। अब ये भी सोचने वाली बात है कि सुविधा संपन्न वाला तबका वो पलायन क्यों कर रहा है, वो दिल्ली या देहरादून की तरफ क्यों भाग रहा है, पड़वा पहाड़ से उसका लगाव क्यों कम हो रहा है, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा है। इसमें राजनीतिक दलों को भी सोचना होगा और साथ साथ हमारी जो सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएँ हैं इनको भी इस मुद्दे पर सोचना होगा, गहराई से सोचना होगा जी। गढ़वाली साहित्य को आखिर बढ़ावा क्यों नहीं मिल रहा, इसके पीछे क्या वजह रही कि अभी तक गढ़वाली साहित्य कहीं ना कहीं उस तरीके से आगे नहीं आया जिस हिसाब से उसे आना चाहिए था? गढ़वाली साहित्य की जो विकास की जो गति है वो है तो उसके एक लेवल पे चल रही है, लेकिन इसको विकास तभी मिलेगा जब ये अन्य भाषाई क्षेत्रों में ये पहुँचेगा। अभी तक देखने में आ रहा है कि पहाड़ से बाहर हमारा साहित्य पहुँच ही नहीं रहा है, अन्य भाषाई क्षेत्रों को पता ही नहीं चल रहा है कि पहाड़ में क्या हो रहा है। जब तक हम उसको बताएंगे नहीं, उनको दूसरे भाषाओं में उसका अनुवाद नहीं होगा, तो ये एक रुकावट है हमारी लोक भाषा के लिए, लोक भाषाओं के लिए, और इसमें हमारे बुद्धिजीवियों को भी सोचना होगा और हमारी सरकार को भी सोचना होगा कि उसको अनुवाद की व्यवस्था करें। और गढ़वाली भाषा में काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है लेकिन गढ़वाली भाषा को अभी तक अनुवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया, इसके पीछे क्या वजह रही? जी, अनुवर्ती सूची में ठीक है, अब वो तो हर कोई चाहता है कि हमारी भाषा को सम्मान मिले और ये होना भी चाहिए,
आठवीं अनुसूची में हमें सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन हमें उस स्तर की तैयारियां भी करनी पड़ेगी। आपने अब तक काफ़ी कविताएं भी लिखी हैं, उनमें से कोई एक लोकप्रिय कविता हम आपसे सुनना चाहेंगे जिसकी चार लाइनें आप अच्छे से गुनगुनाई और हमारे दर्शक भी सुने। राजेश जी, ईमान नाम से ये कविता है जी, गढ़वाली में। हाँ। दरअसल ईमान जो है वो सबसे सशक्त पहलू माना जाता है हमारी गढ़वाली जो है बोलचाल में जी। तो मैं ये लाइनें आपको सुना रहा हूँ, गढ़वाली पंक्तियाँ हैं जी, हमारे दर्शक बखूबी सुनना चाहेंगे। जी जी जी। उमन की हौर हुनन, उमन की हौर उंदन, जो की किस्मत माँ पड़ गए बिटी चमकणु लिख्यू रान। उमन की हौर उंदन, जो की किस्मत माँ पड़ गए बिटी चमकणु लिख्यू रान। हमारी दौ तो खैरयू सर्ग भी ऐन मौका पर बदले जान। अगर कभी छप्पड़ फाड़ी, अगर कभी छप्पड़ फाड़ी हमारा ऐंच कुछ पड़ भी जान, तो वो भी हमारी किस्मत माँ बहुत देर तक टिक्यू निरान। तो वो भी हमारी किस्मत माँ बहुत देर तक टिक्यू निरान। हमारा दिग्ध दिग्ध वो इन स्वाम वे जान, जन उजलते अंधेर घूल जान। हमारा दिग्ध दिग्ध वो इन स्वाम वे जान, जन उजलते अंधेर घूल जान। पइन नि समझा कि अंधेर देखी हमर जू घबरान, पइन नि समझा कि अंधेर देखी हमर जू घबरान। हमारो हर कदम, हमारो हर कदम हम तें यु दिलो सु दिलाणु रान। कि झुकना ऐथर बढ़ दिरा, कि झुकना ऐथर बढ़ दिरा, उन्दार उकाल तो जिंदगी माँ लग्यू रान। उन्दार उकाल तो जिंदगी माँ लग्यू रान। इले ठोकर खै खै की भी, इले ठोकर खै खै की भी, हमारो ईमान पहाड़ जन अड़िग रान, हमारो ईमान पहाड़ जन अड़िग रान। इसका अगर आप हिंदी में थोड़ा सा हमें अर्थ समझा सकें कि इसमें क्या कुछ आपने मैसेज दिया, क्या संदेश था, वो चार लाइनों में अगर आप हमें संदेश इसका बता दें तो वो अहम होगा, क्योंकि हमारे दर्शक हिंदी में भी हैं और वो गढ़वाली और कुमाऊनी में भी हैं, तो आप हम चाहेंगे हिंदी में इसका अर्थ समझाएं। इसमें ये लिखा है कि वो आदमी और होते हैं कि जिनकी किस्मत जो है पेड़ से ही चमकना लिखा होता है जिनकी किस्मत में, लेकिन हमारी किस्मत में जो है वो ऐन मौके पर जो है आसमान जो है वो बदल जाता है, आसमान भी बदल जाता है। और अगर कभी छप्पड़ फाड़ के हमारे ऊपर कुछ पड़ भी जाता है तो वो भी हम बहुत देर तक हमारी किस्मत में टिका नहीं रहता है। हमारे दिखते देखते वो ऐसे गायब हो जाता है जैसे कि उजाले को अंधेरा खा जाता है जी। पर ऐसे मत समझो कि अंधेरे को देख के हमारा जिया घबराता है। हमारा हर कदम हमको ये दिलासा दिलाता रहता है कि झुको नहीं, आगे बढ़ते रहो। ये ऊंचाई निचाई तो आती रहती है जिंदगी में, इसलिए ठोकर खा खा के भी हमारा ईमान पहाड़ के जैसे अड़िग रहता है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि लिखने की प्रेरणा जो आपको मिली वो कहीं ना कहीं एक हमारी जीवन में एक रोल मॉडल होता है, एक हीरो होता है, तो वो आपको लिखने की प्रेरणा किन से मिली, कौन थे वो व्यक्ति या वो विशेष जिनसे आपको देख के लगा कि हाँ मेरे ये रोल मॉडल हैं और मैं इनकी तरह ही कुछ करना चाहता हूँ, कोई ऐसे थे तो हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। दरअसल राजेश जी, भाषा जो है वो अनपढ़ लोगों से ही सीखी जाती है। अभी तक ये कंसेप्ट रहता है कि जो भाषा जो है पढ़े लिखों की होती है, ये पढ़े लिखे उससे बनाते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा जो है रोल मॉडल रहे हैं वो अनपढ़ लोग रहे हैं और अनपढ़ लोगों से ही मैंने सीखा है। तो अगर भाषा में क्या हम नए शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं, इस तरीके की भी कुछ वो भी है कि नए शब्दों को भाषा में लाया जाए? किसी भी भाषा में नए शब्दों आते हैं और उनका स्वागत किया जाना चाहिए, और हमारी लोक भाषाओं में भी नए शब्द आ रहे हैं। कई ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल जो अनपढ़ आदमी अंग्रेजी के शब्द भी बोल लेते हैं। हाँ। लेकिन उन शब्दों को आने की प्रक्रिया एक लंबी है। अगर हम अचानक उन शब्दों को थोप देंगे तो वो हर किसी की समझ में नहीं आते। हाँ। तो अचानक नहीं आते कोई भी शब्द। हाँ। जैसे गढ़वाली में कई शब्द हैं, कोट हैं, पैंट है, ये आमतौर पर ये शब्द अंग्रेजी के बोले जाते हैं। एक शब्द और है जैसे अंडर है। अब अंडर तो वैसे अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हमारी जब लोक भाषा में आता है तो ठेठ उसको गढ़वाली अनपढ़ आदमी भी बोल लेता है कि फलाना आदमी उसके अंडर में नौकरी कर रहा है, जबकि उसको पता नहीं होता है कि अंडर क्या चीज़ है। हाँ, हाँ, जी। तो कई ऐसे शब्द हैं, अचानक टूसे हुए शब्दों से थोड़ा परहेज करना चाहिए। हाँ, लेकिन जो शब्द स्वाभाविक रूप से आ रहे हैं, हाँ, जो आमतौर पर अनपढ़ लोग भी समझ जा रहे हैं, हाँ, ऐसे शब्दों को स्वागत किया जाना चाहिए। हाँ, और इससे जो है भाषा को बल मिलता है और भाषा का विस्तार होता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। सरकार से क्या उम्मीदें हैं कि गढ़वाली भाषा को प्रोत्साहन मिले, गढ़वाली लेखन को प्रोत्साहन मिले, ऐसे में सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? देखो, ऐसा अपेक्ष करना भी ठीक नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। मुझे लग रहा है कि सरकार भी इसमें काफ़ी कुछ मदद कर रही है। वो पुस्तकों को छपाने के लिए मदद कर रही है। वो अलग बात है कि पुस्तकें किस स्तर की छप रही हैं, कैसा अनुदान दिया जा रहा है, वो चीज़ किस स्तर की पुस्तकों को दिया जा रहा है, वो देखना अलग बात है। लेकिन सरकार अपने स्तर से काफ़ी प्रयास कर रही है और गढ़वाल विश्वविद्यालय भी इसमें काफ़ी मदद कर रहा है। हाँ। और दूसरा ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। हाँ। इन्होंने भी अपने पाठ्यक्रम में गढ़वाली या कुमाऊनी लोक भाषाओं को
उसमें स्थान दिया है। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अब बाकी परिणाम तो आगे देखा जाएगा जो भी होगा। तो आपका जो किताबें हैं क्या वो किसी सिलेबस में कहीं इस्तेमाल की जा रही हैं कहीं पे? इस्तेमाल जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है उनका पार्ट वन बीए पार्ट वन में एक चैप्टर उन्होंने शायद लगाया है। तो अब आने वाली रचना कौन सी है, अगर हम ये जानना चाहते हैं आने वाली आपकी रचना कौन सी है जिससे आपके जो पाठक वर्ग है वो उत्साहित होगा कहीं ना कहीं, जो आपको पढ़ने वाले हैं, जो आपको देखने वाले हैं? जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाली वो रचना कौन सी? राजेश जी, मेरे दो चीज़ें साथ आएंगी। एक मेरा व्यंग संग्रह है वो आने वाला है, और एक लंबी कविताओं का एक संग्रह है, वो नई किस्म की मॉडर्न कविताएँ हैं वो आएंगी। जी नरेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो कौन से व्यंगकार थे जिनसे आप प्रभावित हुए? आपको से हम ये जानना चाहते हैं कि आप वो कौन से व्यंगकार थे? राजेश जी, गढ़वाली में तो व्यंग कम लिखे गए हैं, लेकिन जहाँ तक हिंदी हिंदी से ही प्रभावित रहा हूँ जैसे ज़्यादा, तो मुझे हरिशंकर परसाई जी ने बहुत प्रभावित किया है। दूसरा, खैर हरिशंकर परसाई जी से तो मैं प्रभावित रहा हूँ, और दूसरा मुझे प्रभावित किया है श्रीलाल शुक्ल जी ने। श्रीलाल शुक्ल जी का जो राग दरबारी है वो मैंने, मुझे ध्यान भी नहीं है कि मैंने कितनी बार पढ़ा है उसको, बहुत ही गजब की वो रचना है उनकी। एक दूसरी भी है पहला पड़ाव, और वैसे जो सबसे पहले जो व्यंगकार हैं जिनको जिनसे सबने प्रेरणा मिली है, मैं समझता हूँ कबीर हैं। कबीर से बड़ा व्यंगकार कोई हुआ नहीं है अभी तक। ऐसे टाइम पर उन्होंने व्यंग लिखा है कि जबकि कोई भी उनकी जो है गर्दन काट सकता था, और बड़े सशक्त व्यंग लिखा उन्होंने, किसी भी न तो धर्म को छोड़ा है, जो भी विसंगतियां थी उन्होंने उन पर कटाक्ष किया है। तो कबीर को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो युवा लेखक हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे कि किस तरीके का वो लेखन करें और कैसे वो प्रभावित हों आज के जो घटनाएँ हैं, जो आज का दौर है उसे देख के किस तरीके से वो अपना मनोबल बढ़ाएँ या प्रभावित हों लोगों से? युवा लेखकों को तो सबसे पहले यही है कि वो पुराने साहित्यकारों को पढ़ें। हमारे जो सामाजिक और जो पूरी कंसेप्ट है उसको समझें। किताबों का अध्ययन जरूरी है, चाहे हिंदी का हो चाहे किसी भी लोक भाषा को उसमें लिखें, और ये सोच के ना लिखें कि मुझे कुछ इसमें मिलना है, क्योंकि मातृभाषा की एक सेवा ऐसी है जो माँ की सेवा की तरह है, उसको माँ की सेवा की तरह लें और निश्चित रूप से उनको उसमें फल भी मिलेगा। तो बात विशेष में ये थे नरेंद्र कठैत, जिन्होंने हमसे चर्चा की और अपने बातों को आप तक पहुंचाया। हम अगली बार फिर किसी खास शख्सियत के साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हिमालयन न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।